हेलो गाइस, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट पेंट टिप्स। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है डेली की तरह आज की वीडियो है, और उसके लिए सॉरी कल जो है वीडियो डिले हो गई इस वजह से क्योंकि मैं छत पर जो आया था बट कैमरे में भाई चार्ज नहीं था, स्विच ऑफ पड़ा था और लाइट भी नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाया। बाकी अपने सारे कबूतर खुले हुए हैं, सारे नए पुराने जो भी हैं, देखो वो वाली जो कबूतरी पर खोले थे इसके, वो भी है, वह भी है, भवरा भी है, सब है, सब बैठे हुए हैं। और अभी जस्ट मैं नीचे पहले जाता हूँ कबूतरों के लिए दाना लेके आता हूँ, क्योंकि दाना है नहीं, काफ़ी कम है, तो नीचे कट्टे में से दाना लेके आता हूँ। बाकी अपने सारे कबूतर खुले हुए हैं, आप चेक कर लो। और हमारे एक भाई ने जो है, देखो भाई दाने का डब्बा दिखा, खोलते ही सारे कबूतर आ गए। और हमारे एक भाई ने कमेंट करा था भाई, बहुत प्यारा कमेंट करा था, और मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो भी नहीं बना रखी थी अभी तक, तो सोचा आपसे भाइयों का डाउट जो है क्लियर कर देंगे। ओके, तो हमारे एक भाई है, उन्होंने कमेंट किया काफ़ी प्यारा, नाम तो नहीं पता बट सॉरी उसके लिए मैंने, क्योंकि भाई सिर्फ कमेंट पढ़ा, नाम नहीं पढ़ा। ओके, तो भाई ने जो भी कमेंट किया बहुत प्यारा किया, ठीक है भाई ऐसे कमेंट करते रहा करो। तो भाई ने कमेंट ये किया कि भाई अपने जो हमारी चोंच टूटी कबूतरी, मैंने आज तक इसको वीडियो नहीं बनाई कि भाई आपने चोंच टूटी को अपने दाना कैसे खिलाती हो, ज़रा हमें भी सिखाना। तो सोचा क्यों ना, हाँ भाई क्यों ना सिखाया जाए, क्योंकि भाई एक ये हमारे साथ ही नहीं हो सकता कबूतरबाजी का भाई वो है, तो भाई किसी भाइयों के यहाँ भी हो सकता है कि हमारी कबूतरी की जैसे हैं भाई, और भी भाइयों के यहाँ किसी के यहाँ भी हो सकती है, जिन भाइयों को दाना खिलाने का नहीं पता कि कैसे कैसे दाना खिलाते हैं। ओके, तो उन भाइयों को आज मैं बता दूंगा कि दाना कैसे खिलाना है आपसे भाइयों को, ठीक है। बाकी मैं पहले नीचे से दाना ले आता हूँ क्योंकि इन्हें भी खोल दूंगा, शाम हो चुकी है बिल्कुल, सूरज ढल चुका है वो देख सकते हो। बाकी मैं क्यों खोल दूंगा तो ये अपने बच्चों को भी दाना देंगे, ये सब बहुत टाइम लग जाता है यार, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी बात करते ही करते, इस वजह से मैं पहले इनको दाना वाना डाल देता हूँ नीचे, अपना ये खाते रहेंगे और अपना मस्ती से घूमते रहेंगे। क्योंकि कबूतर तो मैंने आज जल्दी खोल दिए थे, आज ये 3 बजे के शायद 3 या 3:30 बजे कबूतर खोल दिए थे, क्योंकि आज ये जल्दी कबूतर खुल गए थे, तो इस वजह से इन्हें भी आज जल्दी खोलना पड़ा, ये लड़ रहे हैं यहाँ पर दाना खाने के लिए जैसे कि देख रहे हो। बाकी पहले मैं नीचे जाके दाना ले आऊँ पहले। तो गाइस, मैं दाना जो है ले आया हूँ, और जब पहले इनका गेट खोल देते हैं ये वाला, क्योंकि इसमें जो कबूतर है वो भी बाहर आ जाएंगे अपना आराम से। और मैंने आज इसके भी पर भाई उखाड़ दिए, जो इसके देख सकते हो आप पड़े होंगे यहाँ पे 2-3 पर, तो मैंने इसके साइड के जो सारे पर थे वो उखाड़ दिए, और 10-15 दिन में पर भी आ जाएंगे इसके, क्योंकि उसने जोड़ा लगा लिया उस कबूतरी का, तो मैं उस कबूतरी के पर जब भी खोलूँगा जब ये जो थोड़ा छतवत देख लेगा, क्योंकि शुरू से ही कैच में पड़ा है ये। ओके, तो बाकी हम दाना भी डाल देते हैं, देखो कबूतर अंदर जाने लगा गेट खोलते ही, दाना डाल देते हैं अपना, खाते रहेंगे, ठीक है इधर डाल देते हैं, खाते रहेंगे अपना मौज में, देख सकते हो सारे खा रहे हैं। और अपने बच्चे को कल खोलेंगे, आज नहीं खोल ले क्योंकि शाम हो गई है, कल थोड़ा जल्दी आके जल्दी खोल दूंगा, क्योंकि वो भी छत पर देख लेगा। बाकी आपको तो मैं अपनी चोंच टूटी को जब पकड़ लूँगा जब ही बताऊँगा कि कैसे दाना खिलाते हैं। ओके, और एक बात पहले ही आपको बता देता हूँ गाइस, कि अपने जब भी कबूतरी को खिलाओ ना, तो आपके दाने में कभी भी ये देख लेना, ये जो घास फूस से होते हैं ना, ये ना चले जाए उसके मुंह में, क्योंकि भाई उसके गले वले में फंस भी सकता है। ओके, क्योंकि अपने कबूतर जो हैं ये जब भी अपने चोंच से खुद दाना खाते हैं तो ये खुद देख कर खाते हैं भाई, ये वो जो बेकार दाना होता है ये छोड़ देते हैं, और जो सही वाला होता है वो खाते हैं। तो उस चोंच टूटी को जब हम खिलाते हैं तो वो तो भाई हम अपने हाथ से खिलाते हैं, तो उसमें गंदगी वंदगी सब चली जाती है उसके मुँह में, वो आप देखोगे भी नहीं। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ कि अपने जब भी आप आपके पास कोई भी चोंच टूटा कबूतर या कबूतरी हो, उसको दाना साफ सही खिलाना। ओके, या फिर आप अलग से भी, हमारा जो बाजरा है भाई बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, हम कट्टा खरीद के लाते हैं, और ये हमारा गेहूं है वो जो राशन का आता है, तो मैं तो भाई देख के खिलाता हूँ, ये देख सकते हो इसमें, देखो मैं आपके लिए सबूत के लिए इसमें है भी, देख सकते हो घास सा, देखो मैं फेंक दूँगा कबूतर नहीं खाएगा इसे, वो ऐसे ही वैसे ही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि कबूतर उठा नहीं पाएगा उसे, और उन्हें पता भी है कि मुझे कौन सा दाना खाना है। तो इसीलिए मैं आप सब भाइयों को इतनी छोटी सी बात बताऊंगा, जब भी आप अपने कबूतर को, मतलब कोई सा भी आपका बीमार कबूतर, या फिर ज़रूरी नहीं है कि चोंच टूटा, क्योंकि बहुत से भाई आपको पता है कि आपको कोई बीमार कबूतर होगा तो उसे आप हाथ से ही दाना खिलाओगे, क्योंकि अगर वो दाना नहीं खा रहा, सुस्त बैठ रहा है, दाना खाना उसने छोड़ दिया है, तो आप अपने हाथ से ही दाना खिलाओगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करना कि आप गंदा दाना कोई सा भी उठा के उसके मुँह में भर दो, सिर्फ ऐसा नहीं करना भाई आपको, प्लीज़ आप देख कर अच्छे से साफ दाना उसके आराम से खिलाओ, ठीक है। मैं अभी आपको दिखला दूँगा प्रॉपर कि कैसे दाना खिलाना है। ओके, बाकी अपने पकड़ लेते हैं चोंच टूटी, यार ये ऐसे ना ये जाती नहीं है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इसे हाथ से पकड़ूँ, क्योंकि अगर मैं हाथ से पकड़ूँ तो ये कबूतर भी ना डर जाते हैं, उड़ जाते हैं, और शाम हो गई अगर एक भी उड़ गया कबूतर तो रात ही रह जाएगा सीधा, और वो भी भाई बहुत हरामी है कबूतरी, सीधा शाम को ही जाएगी, जब सारे कबूतर चले जाएंगे सबसे लास्ट में वही जाती है हमेशा, पता नहीं क्या आदत है इसकी। बाकी मैं दाना और डाल देता हूँ, ख़त्म हो गया, क्योंकि यार वो बच्चा भी चिल्लाने लग गया, भूखा है, ठीक है। मैं जल्दी से दाना भी दे देता हूँ और पानी भी ले आता हूँ, बाल्टी ये पड़ी यहाँ पे, पहले इन्हें दाना दे दूँगा, जल्दी जल्दी खाते रहेंगे।
भर के दे देता हूँ थोड़ा, और खाओ खाओ जी भर के खाओ। बेचारी देख सकते हो चोंच टूट गई, मेरे को यार बहुत ज़्यादा दया आती है रियली में। बट यार ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर करना था तो इसका कुछ जुगाड़ भी करना चाहिए था भगवान को, अगर तोड़ दिया या कुछ भी करा। यार इतने दिनों से, यार रियली बता रहा हूँ, 2 से 3 साल होने वाले इस कबूतरी को, और जब आई पकड़ी थी ना हमने, उसी 1 या 2 दिन के बाद इसकी चोंच जो निकल गई थी, हमारे पास ही निकली थी। इसके चोंच के नीचे फुंसी थी, बहुत बार बचा चुके हैं हम आप सब भाइयों को, इसके चोंच के नीचे फुंसी थी, जो कि उसी की फुंसी के साथ साथ इसकी चोंच टूटी नहीं भाई, निकल गई बाहर अपने आप ही, और ऊपर की चोंच रह गई। और बेचारी देख सकते हो कैसे चोंच मारती रहती है यार नीचे, बेचारी देख सकते हो पूरी कोशिश करती है यार दाना उठाने की, बस ये जो इसकी ऊपर वाली चोंच है, और इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। और इसे हम सही भी नहीं कर सकते यार, क्योंकि अगर हमने हल्की सी भी कोई गलती कर दी ना, इस कबूतरी की ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। बेचारी की अभी ज़िंदगी बची है 2 भाई 3 साल से हम इसे अपने हाथ से ही पाल रहे हैं, तो जितने दिन की और ज़िंदगी बची है ये और अच्छे से जी लें, ठीक है। कोई कमी नहीं है भाई कबूतरी में, बहुत प्यारी कबूतरी है, उड़ के आती है हर बार बिंद लग के, आज तक भागी नहीं भाई 3 सालों में, इसके रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, ठीक है। उससे भी अच्छे अच्छे कबूतर हमारे भाग गए पुराने, लेकिन ये वाली कबूतरी आज तक कहीं नहीं गई, अपने छत पर ही रहती है। और इसको भाई मैं बता दूँ एक बात, इसको हमने छत पर नहीं पकड़ा था, वो टावर दिख रहा होगा आपको, उसको हमने टावर पर जाके पकड़ा था, क्योंकि उसका ना टावर, आपको टावर दिख रहा होगा, इसका ना पैर या फिर कुछ चीज़ ना नहीं गई, याद आ गया मुझे, ये कबूतरी जब हमने पकड़ी थी ना वहाँ से, तो ये कैच में थी, ये उड़ नहीं पा रही थी, कोशिश कर रही थी यूँ यूँ, और ये डर रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं वहाँ पे गया था, मैंने ऊपर बैठी हुई थी और आराम से बिल्कुल पकड़ में आ गई जब मैंने देखा था। और ये वाली कबूतरी और एक कबूतर हम पे और है, ठीक है गाइस, वो वाला वो आपको दिख रहा होगा, ये ललसरी के आगे हल्का सा वाइट कबूतर है, ये वाला और ये वाला एक ही भाई के कबूतर हैं, जहाँ पे एक लड़का कबूतर पालता था उसने छोड़ दिया कबूतरबाजी, उसी के कबूतर हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बहुत पुराना है, ये दोनों जो हैं एक ही टाइम के कबूतर है, इसे भी 3 साल हो गया, उसे भी 3 साल हो गए दोनों कबूतर को। बाकी बहुत देर से मैं बोले ही जा रहा हूँ, कोई नहीं भाई, मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ भाई आप सब भाइयों को, क्या क्या होता है हमारे कबूतरबाजी में, ठीक है, तो बुरा मत मानना। बाकी ने दाना खाने दो, मैं चोंच टूटी को पकड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखलाऊंगा कैसे आपको। मैंने जो है इस पानी भी दे दिया, हम ना जो इस पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर इस पे चढ़ जाएंगे तो कबूतरी जो है आराम से जल्दी चली जाएगी, जिससे कि मैं अपना दाना भी खिला दूंगा और आप सब भाइयों को दिखा भी दूंगा कि कैसे खिलाएं। देखो जा रही है धीरे धीरे, चलो 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 चलो, देखो उड़ जाएगी यहाँ तक कि, देखो ऊपर बैठ गई है, बहुत तेज़ है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, इस पे चढ़े जाएंगे ना तो ये कबूतरी जो है जल्दी जाएगी अंदर। देखो गेट पे बैठ गई है, बाकी वीडियो तो लंबी हो ही गई है, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं फिर आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। गाइस फाइनली मैंने चोंच टूटी को पकड़ लिया, और मैंने बता रखा है कि इसकी नीचे की चोंच नहीं है, जैसे कि आप भी देख सकते हो इसकी नीचे की चोंच बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, ये देख सकते हो, आप भी देख लो एक बार, ये देखो। बाकी इसको हम दाना खिलाने की कोशिश करते हैं, अब मैं पकड़ूँ कैसे इसको और दाना कैसे खिलाऊँ ये नहीं समझ में आ रहा बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कैमरा भी पकड़ना और इसे भी खिलाना, तो कैमरा मैं कहीं रखता हूँ पहले, फिर आपको दिखलाता हूँ। गाइस तो पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये देख सकते हो यहाँ की इसकी चोंच नहीं है नीचे की बिल्कुल भी। तो आपको करना क्या है, हल्का हल्का दाना लेना है हाथ में, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, जितना आपको लगे कि हाँ ये एक बार में खा सकती है, और हल्के से आराम से चोंच इसकी खोलनी है, जैसे कुछ मैं खोल रहा हूँ, और आराम से अंदर डाल देना। देखो कितने आराम से खा गई, ये खुद ही मुँह चलाती है और अंदर ले जाती है दाना पूरा। ओके तो आप आराम आराम से देख के साफ साफ दाना इसके धीरे धीरे ऐसे 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 खिला सकते हो आराम से, बिल्कुल आराम से खाएगी बिल्कुल। और इसका जब पेट भरने वाला होगा ना, तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चेक करते रहना, और इसके गले में भी फंसता है गाइस। ओके तो ये हमेशा ध्यान रखा, ये नहीं कि आप खिलाते रहो बस खिलाते रहो, इनके गले में भी फंसता है, तो आप यहाँ पे ऐसे हाथ लगाना, हल्के हल्के हाथों से सहलाना ऐसे ऐसे, जिससे क्या होगा कि दाना जो है इसका पोटे में जाएगा, ऊपर गर्दन में नहीं फंसेगा। बाकी पानी तो ये खुद पी लेती है, अगर पानी नहीं पी पाती तो हम सिरिंज से, सिरिंज का यूज़ कर सकते हैं। ओके जो इंजेक्शन होता है उसका यूज़ कर सकते हो आप सब गाइस। ओके बाकी इसको आराम आराम से ऐसे धीरे धीरे आप ऐसे खिलाते रहो, जिससे कि अपनी कबूतरी जो है पेट भर के खा ले, ऐसे ही खिलाना है बस। बाकी मैं इसको खिला देता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं खिला नहीं पाऊँगा, और बाकी आपको ऐसे ही खिलाना है, मैंने आपको दिखला दिया है कैसे खिलाते हैं, आप भी देख लेना। ओके वीडियो ढंग से, और बस इस बात का मुश्किल नहीं है भाई बिल्कुल भी खिलाना, बस इस बात का ध्यान रखना है कि चोंच आराम से खोलनी है और आराम से दाना डालना है, और साफ साफ गंदा नहीं, मेन बात तो ये। बाकी इसको हमने बता दिया, और आज की वीडियो इसी के ऊपर थी, हमारे कमेंट कर रहे थे भाई ने। बाकी बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।